मिड डे मील वर्कर यूनियन के सदस्य उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर मंडी जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तर पर 3 जुलाई को धरना प्रदर्शन करेंगे और 7 जुलाई को आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर्स यूनियन शिमला में अपनी मांगों को लेकर निदेशक ICDS में घेराव करेंगे। ये जानकारी सिट्टू के जिला सचिव राकेश कुमार ने दी। केंद्र सरकार द्वारा रेल किराए में की गई वृद्धि, केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में किए जा रहे संशोधन और मिड डे मील वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित हुई। सीटू के जिला सचिव राजेश कुमार ने बैठक में चर्चित मुद्दों की जानकारी दी। जो आज अभी सीटू जिला कमेटी की बैठक अभी होने जा रही है कमेटी ताराचंद हॉल में, इसमें हम 4-5 एजेंडों को लेकर के जो मुख्य बातें करने वाले हैं। एक तो ये जो मोदी की सरकार आई थी, उन्होंने ना पड़ा लुभावना नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन किसके आने वाले हैं? अभी एक महीना सरकार को बने हुए हैं और 14% की जो हाइक इन्होंने रेल के किराए में की है, उससे अच्छे दिन किसके आने वाले हैं? उससे आम जनता के ऊपर जो तो बोझ पड़ा है और उससे मजदूरों का आम जनता के ऊपर जो तो और बोझ पड़ना, महंगाई भी बढ़नी है। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई ये जो हिंदुस्तान की सरकार अभी बैठी है, जो मोदी की के नेतृत्व में बनी है, सरकारी वो जो लेबर लॉज हैं, वो जो श्रम कानून है, उनमें अमेंडमेंट करने का जो प्रावधान है वो करने हैं। जैसे ID एक्ट को बदलना है, फैक्ट्री एक्ट को बदलना है और ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 के जो एक्ट है उसमें बदलाव करना है। नहीं तो उससे आज से पहले क्या था कि भाई कहीं कोई पेमेंट नहीं ठेकेदार दे रहा है, कोई PWD का ठेकेदार है तो PWD की एक्शन की जिम्मेवारी थी, PWD का जो सेक्शन इंचार्ज है उसकी जिम्मेवारी होती थी कि उसको वेतन दिलवाना, और प्रिंसिपल नियुक्ता की जो जिम्मेवारी है उसको मुक्त किया जा रहा है। तो ठेकेदार कहाँ पेमेंट देता हो? तो पेमेंट देता नहीं हो, तो अपना काम करेगा, अपना बिल देगा, पैसे लेकर के चला जाएगा। उस अमेंडमेंट का हम विरोध करते हैं। राजेश कुमार ने बताया कि 3 जुलाई को मिड डे मील वर्कर यूनियन के सदस्य सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर मंडी जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और 7 जुलाई को आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स यूनियन शिमला में सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने और 25 बच्चों की शर्त हटाए जाने की जैसी मांगों को लेकर शिमला में निदेशक ICDS का घेराव करेंगे। इसके अलावा जो 45वें श्रम सम्मेलन के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री महोदय ने जो दिल्ली के अंदर ये 2 मई 2013 के अंदर जो सम्मेलन हुआ है, प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात को माना है, इस बात को एग्री किया है कि ये जो स्कीम वर्कर है, जिसमें आशा है, मिड डे मील वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनको वर्कर्स का दर्जा दिया जाएगा, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, उस मांग को भी हम अभी थ्रस करने वाले हैं और आने वाले दिनों के अंदर अभी मिड डे मील इन मांगों को लेकर के 3 तारीख को मंडी के अलग तारीख मतलब 3 जुलाई को मंडी के अलग अलग जिलों में अलग अलग तहसीलों में वो प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को प्रधानमंत्री महोदय को भेजेंगे और मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए और जो 25 बच्चों की शर्त है उस शर्त को भी हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा 7 जुलाई को आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पूरे हिमाचल से मिल करके अपने जो इनके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरेट है शिमला में, उसका घेराव करेंगे इस बात को लेकर के कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए और इनके जो 90% का जो कोटा है सुपरवाइजर का, वो कोटा जो है तो कम नहीं किया जाना चाहिए और इनको मानदेय के बजाय वेतनभोगी का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये बैठक मंडी स्थित कॉमरेड ताराचंद भवन के सभागार में सीटू की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में राज्य सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी।